हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ एमजे और आज हम ऐसा गार्डन देखने जाने वाले हैं जो बहुत ही खूबसूरत है और जिस हिसाब से अरेंजमेंट की है, जिस हिसाब से क्रिएटिविटी को यूज़ किया गया है, वो बहुत ही अच्छा किया गया है। फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो देख लीजिए, मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप पूरा वीडियो डिटेल में देख लीजिए। फ्रेंड्स, इतनी खूबसूरती तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट की है, जो भी डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह है, उनका जो प्लेसमेंट है, उनके जो लोकेशन है और प्लांट्स के साथ जिस तरह इन्होंने मैच किया है, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप खुद देख लीजिए फ्रेंड्स, इतना खूबसूरत लग रहा है ये। तो ये जो गार्डन है फ्रेंड्स, ये गार्डन सूची राठौर जी का है। ये भी मेरे बहुत ही अच्छे व्यूअर हैं, ऑलमोस्ट सारी वीडियोज़ ये मेरी फॉलो करते हैं। और अभी जिस हिसाब से फ्रेंड्स मैं उनके प्लांट की कंडीशन को देख रहा हूँ, तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि इनके प्लांट्स इतने अच्छे ग्रो हो रहे हैं। इनके प्लांट की जो लोकेशन फ्रेंड्स, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि बालकनी में रखा हुआ है, यानी कि पूरे दिन की इनको डायरेक्ट सनलाइट प्लांट्स को नहीं मिलती होगी, लेकिन फिर भी जितना भी ये प्लांट की रिक्वायरमेंट्स है, उन्होंने ये प्लांट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है, तभी जाके ये प्लांट्स इतने अच्छे ग्रो हो रहे हैं, फ्लावरिंग भी हो रहे हैं। अभी जैसे कि पीछे आपने हाइबिस्कस देखा, ये वाला एक हाइबिस्कस देखा, दोनों हाइबिस्कस की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। और ये जो हैंगिंग पॉट इन्होंने जो प्लांट ग्रो किया है और जिस हिसाब से इन्होंने अरेंजमेंट किया है हैंगिंग पॉट्स का, वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साथ में जो पॉट्स का सिलेक्शन है वो भी बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स उनके जो गार्डन का लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है। ये पर्पल हार्ट प्लांट है और जिस हिसाब से उन्होंने बुशी लुक दिया है, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, इनके पास मनी प्लांट्स की दो वेराइटीज़ मुझे दिख रही है, एक तो मार्बल क्वीन है और एक दूसरी वेराइटी है। फ्रेंड्स, ये तीनों तीन मनी प्लांट जो उन्होंने रखे हैं एक साथ, वो बहुत ही अच्छा लुक दे रहे हैं। कहीं से भी मनी प्लांट बहुत सारे बिखरे हुए वगैरह नहीं दिख रहे, बहुत ही अच्छे और एकदम ही सही तरीके से मनी प्लांट को अरेंज किया है। ये विन चाइम्स हैं, ये भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं उनके ये गार्डन में। और जिस हिसाब से फ्रेंड्स उन्होंने जो प्लांट के अरेंजमेंट्स किए हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये एक आउटडोर का सीन लग रहा है और यहाँ पे उन्होंने अलमंडा वगैरह रखे हैं। अलमंडा को मैक्सिमम सनलाइट चाहिए, तो उन्होंने ऐसा लोकेशन इसको प्रोवाइड किया है जहाँ पे इसको सनलाइट अच्छी मिल सके। साथ में मॉस रोज, पर्सुलेन, ये सारे प्लांट्स को फ्रेंड्स मैक्सिमम सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो वो हिसाब से उन्होंने अरेंजमेंट किया है। ये एडेनियम के सीडलिंग्स उन्होंने ग्रो किए हैं और एडेनियम के सीडलिंग्स फ्रेंड्स कोकोपीट में ग्रो किए हैं। तो कोकोपीट में फ्रेंड्स मैं तो सजेशन नहीं देता, ये एक चीज़ मुझे थोड़ी अलग लगी। बाकी इनके जो बटन रोज़ हैं वो भी अच्छे मुझे लग रहे, अच्छी कंडीशन में है। ये मैरीगोल्ड्स शायद उन्होंने विंटर्स के लिए अभी रेडी किए होंगे, तो मैरीगोल्ड्स भी अभी स्टार्ट कर लेंगे फ्रेंड्स फ्लावरिंग्स। और ये सारे जितने भी मॉस रोज दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारे बहुत ही अच्छे चल रहे हैं उनके यहाँ अभी। तो अभी सिर्फ उनका गार्डन ऑब्जर्व कीजिए, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने गार्डन अपना सजाया है। और ये जो टेंगल हार्ट प्लांट है फ्रेंड्स, जैसे कि ये टेंगल हार्ट प्लांट्स उनके पास शायद ज़्यादा है, और जिस हिसाब से फ्रेंड्स उन्होंने ये जो बोतल के अंदर जो टेंगल हार्ट प्लांट ग्रो किए हैं, वो भी एक क्रिएटिविटी की निशानी है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बोतल को डेकोरेट किया है और प्लांट को उसमें ग्रो किया है, और प्लांट की कंडीशन भी फ्रेंड्स उसमें बहुत ही अच्छी है। यानी कि प्लांट्स तो अच्छे हैं ही, साथ में पॉट्स और जो क्रिएटिविटी है उनके, वो भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मेरी एक लास्ट वीडियो थी मेरे लास्ट व्यूअर की फ्रेंड्स, उनका नाम मनु जी है, और उन्होंने भी फ्रेंड्स सेम तरीके से कुछ ये हिसाब से पॉट को बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से डेकोरेट किया है। और वही सुंदर पॉट्स के अंदर फ्रेंड्स प्लांट की जो कंडीशन जब सुंदर निकलती है, तो पूरी प्लांट की जो लुक आती है वो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये बोट लिली का प्लांट है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये बोतल के अंदर, एकदम ही बुशी लग रहा है और प्लांट पूरा फैला हुआ है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से भी फ्रेंड्स उनके जो पॉट और प्लांट के जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। यानी कि ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ही बड़ा पॉट है और उसके अंदर एक छोटा सा पौधा है, तो वो लुक एकदम से मैच नहीं कर रहा। यानी कि उन्होंने जो पॉट और प्लांट दोनों का जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स क्रिएटिविटी होती है, अपने आप ही फ्रेंड्स अपने दिमाग में आती है ये चीज़ और हम करते रहते हैं। तो सूची जी ने भी फ्रेंड्स यही चीज़ किया है, और जिस हिसाब से उन्होंने, ये देख रहे हैं उनकी अलमंडा की जो बेल है, तारे वगैरह लगाए हैं ताकि उनके ऊपर ये बेल
अपनी जगह बना सकें। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अगर मैं इनका गार्डन देखने जाऊँ तो बहुत ही अच्छा गार्डन है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये गार्डन फ्रेंड्स मुझे मोटिवेट करता है। लास्ट मैंने मनु जी का गार्डन भी देखा था, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, और ये वाला गार्डन भी बहुत ही अच्छा लगा है। फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो जो मैंने शेयर की थी वो थी तपिश जैन की, और उन्होंने भी फ्रेंड्स इतनी अच्छी तरह बेल को डायरेक्शंस वगैरह दी थी और नेट उन्होंने लगाए थी गार्डन में। तो ये सारी क्रिएटिविटी फ्रेंड्स मैं मुझे मोटिवेट करती है। और ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स एडेनियम, इतना खूबसूरत और बुशी प्लांट लग रहा है। ये छोटा प्लांट है लेकिन उन्होंने ये प्लांट को बुशी बनाया है। मे बी ये प्लांट को उन्होंने ट्रिमिंग वगैरह की होगी, जिसकी वजह से इसकी मैक्सिमम ब्रांचेस निकलती रहती है और एक टाइप का बॉन्जाई लुक ये प्लांट को देती है। और इनके जो ब्रदर है फ्रेंड्स, उनका जो चैनल है, उनका चैनल का नाम है बॉन्जाई हंटर, तो आप उनका चैनल देख सकते हैं अगर आपको बॉन्जाई में इंटरेस्ट हो तो। तो ये मधुमालती है पीछे, और ये सारे छोटे छोटे ये देखिए मैरीगोल्ड्स वगैरह कुछ लगे हुए हैं। और ये जो प्लांट देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये प्लूमेरिया है, और प्लूमेरिया को उन्होंने बॉन्साई लुक बनाया है। तो ये चीज़ फ्रेंड्स मैं भी करूँगा, ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, एकदम यूनिक लगी। तो मैंने अभी रिसेंटली फ्रेंड्स प्लूमेरिया की कटिंग ग्रो की है, तो उससे फ्रेंड्स मैं प्लूमेरिया की कटिंग को धीरे धीरे करके बॉन्साई लुक देने की कोशिश करूँगा। तो इनके यहाँ मॉस रोज मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं, तो शायद गिलेरिया इनके यहाँ मॉस रोज ख़राब नहीं कर रही होगी। तो ये फ्रेंड्स मेरे व्यूअर की वीडियो है जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये हिसाब से मेरे व्यूअर्स मुझे ही मोटिवेट करते हैं, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सूची जी का गार्डन देख के मुझे भी बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिला है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने गार्डन में कुछ और डेकोरेटिव चीज़ें इंक्लूड करूँ, लेकिन टाइम से सब होता रहेगा। अब सोचने में तो फ्रेंड्स मैं बहुत कुछ सोच सकता हूँ, लेकिन रियलिटी में क्या होगा वो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन इनका गार्डन देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। अगर आप चाहते हो फ्रेंड्स कि आपका गार्डन भी फ्रेंड्स मैं शेयर करूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या तो फेसबुक पे आप मुझे अपना गार्डन का लुक शेयर कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ताकि आपका गार्डन देख के भी बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को मोटिवेशन मिल सके, वो मैक्सिमम प्लांट्स ग्रो कर सके। और आज के ऐसे पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में फ्रेंड्स हमें अपने घर में एक गार्डन बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम अपने घर के अंदर साफ एयर ले सकें। तो ये है मेरी वीडियो फ्रेंड्स मेरे व्यूअर की, उनका गार्डन का ओवरव्यू मैंने आपको दिखाया। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो प्लांट से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।